नमस्कार, मैं हूं आसमा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के संदेश के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों को कवर करने के उपरांत नशा मुक्त हरियाणा साइक्लोथॉन पंचकुला में प्रवेश कर गई। रायपुर रानी खंड के गांव बागवाली में पहुंचने पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गगनदीप सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संध्या मलिक, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी परम नंदन, भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय शर्मा, जिला महामंत्री वीरेंद्र राणा, श्याम लाल बंसल, गेल की पूर्व निदेशक बंतो कटारिया, बरवाला मंडल अध्यक्ष गौतम राणा, बागवाली के सरपंच भारत भूषण और भारी संख्या में ग्रामीणों और अन्य मौजूद व्यक्तियों ने फूलमालाओं के साथ भारत माता की जय के नारों के उद्घोष के बीच साइक्लोथॉन का भव्य स्वागत किया। पंचकुला से हमारे संवाददाता संदीप सैंडे की रिपोर्ट। बेटा आज तो बहुत अच्छा हुआ, हम तो पंचकुला से चले थे, पूरा पंचकुला में 26 किलोमीटर घुमा के और सबको संदेश देते हुए आए और अब यहाँ पे पहुँचे हैं। 50 किलोमीटर अब तक हमने साइकिल चला चुके हैं। आपकी एज कितनी होगी? मैं 64 में हूँ। 64 की जी? और 50 किलोमीटर साइकिल चला तो चला के आ चुकी। और अभी आगे और कितनी चलानी है? आगे तो बेटा 50-70 होगी नारा, वहाँ जाना ना यमुनानगर, तो वो ज्यादा होगी, 100 से ज्यादा हो जाएगी आज। तो क्या संदेश है बेटा? देखो आजकल जो बच्चे लड़कियां हैं ना, वो भी नशे से ग्रस्त हैं, तो मैं एक अकेली महिला हूँ जो सारे ग्रुप में, सिर्फ महिलाओं के लिए, महिला शक्ति के लिए। देखो खुद महिला एक कंधे से कंधा मिला के साथ चल रही है, बच्चे तो बदल भी जाते हैं सिर्फ में, मैं कभी नहीं बदलती, मैं बराबर। जो युवा नशा करते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? बेटा देखो नशे से तो अब दूर होना ही पड़ेगा, नहीं हम इतनी मेहनत करे, हमारी मेहनत रंग तो जरूर लाएगी, मोटिवेट तो जरूर होंगे बच्चे, ऐसी बात नहीं। प्रशासन कितना चौकन्ना दिखता है नशे से? भाई प्रशासन ने तो ये सारा काम ही करा, ये प्रशासन की तो वजह से चल रहा है सब। सीएम पहले सीएम है ये जो नशे के ऊपर ये मुहिम चला रहे हैं। तो मैम आपकी आप कहीं आप जो वर्किंग हूँ मैम अभी? नहीं मैं तो 64 में हूँ। कितना कैसे फिट हो मैम, क्योंकि इस उम्र में लोग साइकिल नहीं चला पाते, आप साइकिल चला के आ रही मैम? मैंने अभी 2023 में 28 मार्च को कश्मीर से कन्याकुमारी चला के विश्व रिकॉर्ड बना साइकिल। साइकिल का मैम? हाँ। कितने किलोमीटर? 5500 किलोमीटर साइकिल चलाई साइकिल का। हाँ बहुत। और देखो 2019 में मुझे शुगर हो गई थी, शुगर की वजह से मैंने साइकिल चलानी शुरू की थी। मेरी शुगर तो पता ही नहीं कहाँ चली गई, ना दवा खाई ना कोई परहेज किया, मतलब मैं बीमारी ने भी एक तोहफा दे दिया। हाँ जी, मात दे दी, डॉक्टरों को भी मात दे दी, रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड बना। डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, शुगर खत्म होता, मगर होती है। जिसको शुगर है उनके लिए कहूँ साइकिल चलाओ, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, कुछ भी करो, बिना दवाई खाए हमारी बीमारियां खत्म हो जाती है। मेरी तो होगी, देखो और का तो करेगा। ये सबको भाई साहब, ये मैम 64 साल की है और कुछ सुपर हुआ था और इस साइकिल चला के आज पूरा फिट है, एक कहते हैं कि फिटनेस बना करके, और ये 50 किलोमीटर साइकिल चला के आ रही है। मैम जैसे आप लड़कियों के विशेष क्या बताना चाहेंगे कि जैसे लोग आजकल की लड़कियां टिकटॉक और ये सब बहुत ही चलाती हैं, उनके लिए कहना चाहते हैं, मतलब किसका फिट नहीं रहती, सुबह उठने के बजाय वो मतलब उनका दिनचर्या थोड़ा दूसरी तरह का है, वो इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, वो तो सोशल मीडिया। हाँ वो सोशल मीडिया की तरफ भी उनका ज्यादा ध्यान है, टिकटॉक बनाना, वीडियो बना बना के डालनी अपनी। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश राणा है, मैं रोहतक से हूँ। ये पूरे हरियाणा में इसकी शुरुआत भी पंचकुला से की गई थी, तब मुख्यमंत्री जी थे हमारे साथ, और उसके बाद लगातार आज यमुना में समापन है यमुनानगर में, और सभी ने बड़ा उत्साह के साथ एक मैसेज दिया, एक संदेश दिया, वोट देने का प्रयास किया कि हरियाणा भ्रष्ट नहीं हो, तो उसी के लिए मैं सबको शुभकामना भी देती हूँ और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ युवाओं के लिए।
सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं बड़ी प्रभावित होती है ड्रग्स से, जो परिवार प्रभावित होगा उसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर जो आज का प्रोग्राम है इसके बारे में बताइए पहले। जो आज का कार्यक्रम है ये आज से नहीं है, 1 सितंबर से आरंभ हुआ था, 1 सितंबर 2023 से लेकर के 25 सितंबर 2023 तक हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा ये साइकिलोथन यात्रा निकाली गई है ड्रग फ्री हरियाणा के लिए। हरियाणा राज्य को ड्रग फ्री बनाने के लिए जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें हमारे हरियाणा पुलिस के जवान हैं, लगभग 500 युवा हमारे साइकिल पर चल करके हरियाणा के प्रत्येक गाँव में शहर में जा करके लोगों को संदेश दे रहे हैं कि नशा एक बुराई है, जीवन की सच्चाई है, पोस्ट भांग अफीम का नशा करता है जीवन की दुर्दशा, जो खाते हैं नशे की गोलियां वो सहते हैं जबकि गोलियां, हम सबकी एक ही मांग बंद करो भूखी और भांग, हम सभी ने ठाना है भारत को नशा मुक्त बनाना है और हम सभी ने ठाना है नशे के व्यापारी को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाना है। इस प्रकार से जागरूकता के माध्यम से हम हरियाणा के प्रत्येक गाँव शहर में जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो नशा छोड़ो आगे बढ़ो, नशा छोड़ो बोतल तोड़ो, नशा छोड़ो चिलम तोड़ो, जो पीता है दारू उसकी बीवी मारती है झाड़ू, जो पीता है शराब उसके बच्चे निकलते हैं खराब। तो नशा किसी रूप में भी मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, जब नशा होता अच्छा तो माँ कहती खा ले मेरे बच्चा, तो नशा मनुष्य के लिए किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। तो हमें नशे से दूरी रखनी है, नशे से दूर रह करके ही हम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अन्य से यदि नशे की चपेट में पड़ गए तो अपने आप पे पैरों पर ही खड़े हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। और आज की स्थिति ये है कि हमारा पड़ोसी राज्य जो है पंजाब उड़ता पंजाब हो गया, तो हमारा हरियाणा कहीं नशे की चपेट में चला जाए, इसीलिए हमारे हरियाणा का गाना है कि मारा हरियाणा नशा पे बचा कर राखियो, ना यो चिट्टा खा जाएगा यह है काली नागरी। हमारे हरियाणा का नारा तो यही है कि नशा मुक्त हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना। तो इस प्रकार से हम नशा मुक्त हरियाणा करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, और इसके अतिरिक्त भी हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हरियाणा के प्रत्येक विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान में जाकर के लोगों को नशे से दूर रहने जागरूक करती है। अब हमारा एक हेल्पलाइन नंबर भी है ना पुलिस का, हरियाणा की नारकोटिक्स का, ये हमारा लोगो आप देख रहे हैं हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, हरियाणा पुलिस का, इसमें एक हेल्पलाइन नंबर है 90508-91508। तो इस प्रकार से हमें हर प्रकार से नशा मुक्त करना है। सर आज आप खुद एक साइकिलिंग करके आए हैं, कितने किलोमीटर साइकिलिंग की है आज आपने और अभी कितने किलोमीटर करनी है? अभी हमने पंचकूला पहुंचने का लगभग 70 किलोमीटर साइकिल बकाया चलनी है अभी हमारी, तो पंचकूला तक जाएंगे साइकिलों पर जाएंगे। अभी हमारी 2 शिफ्ट चलती है साइकिलों में, एक प्रातः की एक उसके बाद की, एक शिफ्ट अब यहाँ पूरी हो चुकी है रायपुरानी में, जिन्होंने लगभग 64 किलोमीटर साइकिल चलाया है, अब अगली शिफ्ट जो है हमारी 70 किलोमीटर साइकिल चलाएगी। क्राइम भी बहुत बढ़ता जा रहा है नशे को लेकर, बिल्कुल हाँ नशा बढ़ेगा तो क्राइम भी बढ़ेगा। नौजवानों का छोटा सा प्यारा संदेश पूरे देशवासियों, संदेश ये है नशा मुक्त हो भारत मेरा, नशा मुक्त हो भारत मेरा, ऐसी सोच बनानी है, नशे में ग्रस्त हो रही युवा पीढ़ी, मिलकर सबको बचानी है, ऐ सच्चाई नशा बुराई यह बात जन जन तक पहुंचानी है, क्या इसलिए शहीद हुए वो जो नशे में ग्रस्त हो रही जवानी है, महाराणा प्रताप की वीरता की गाथा हर घर तक पहुंचानी है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की सबको कहानी सुनानी है, चंद्रशेखर आजाद का बलिदान सुभाष चंद्र बोस की जय हिंद सेना आजाद हिंद का नारा, महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन चीख चीख कर पुकार रहे कि स्वतंत्र देश का सपना साकार हुआ और नशा करने वाले से नशे में उजाड़ रहे, स्वतंत्र देश का सपना साकार हुआ और नशा करने वाले से नशे में उजाड़ रहे, उनकी आत्मा पूछ रही है चित्कार कर रही है कि नशा मुक्त भारत का सपना कब पूरा होगा, नशा मुक्त भारत का सपना कब पूरा होगा, और ये कब पूरा होगा जो प्रत्येक नागरिक इस बात की जिम्मेदारी ले कि मैं जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करूँ। सर एक छोटा सा सवाल है, थोड़ा दुखी सवाल है पुलिस प्रशासन के, अगर आप दे सके, क्योंकि हरियाणा में कई जगह ऐसे आरोप लगे हैं कि पुलिस भी नशा तस्करों के साथ मिली होती है कहीं ना कहीं, इस पे कितनी सच्चाई है और आपका क्या कहना है? देखिए यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख काम करता है, अपने कर्तव्य का सही से पालन नहीं करता है और किसी संदिग्ध गतिविधियों में पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होती है, तो जो जिन्होंने भी कभी भी ऐसा काम किया होगा उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कोई कार्रवाई अवश्य की जाएगी और हो भी रही है। तो नशा मुक्त बनाने के लिए देखो प्रत्येक व्यक्ति का कार्य बन जाता है, क्योंकि ये नशा हमारे अपने परिवार से हमारे अपने से जुड़ा हुआ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।